Hello everyone, I am Sridhar Rathi and I come from Jodhpur, Rajasthan. I did my senior secondary schooling from DAV Sector 14, Gurugram, Haryana. And my hobbies are listening to music or reading some books. This is my latest hobby, and podcast. Also, I make YouTube videos with the name of my channel is my name itself, Sridhar Rathi. And in those, I make life lessons or how I spend my day, something which I relate to, I share with everyone. So this is my short life and my intro. And my course is BA program in English and Political Science from Maharaja Agrasen College. And let's start with this video. So my today's topic is caste discrimination. And जो सबसे बड़ी problem इसमें ये है कि लोग इसका जो blame डालते हैं वो it's mainly on the धर्म जैसे कि हमारे तो ग्रंथों में लिखा हुआ है ऐसे और हमारे तो मतलब पुराणों में है. बट मैंने पर्सनली भी पढ़ा कुछ हिंदू माइथोलॉजी को, आई मीन बुक्स में नहीं पढ़ा, बट या आई सर्च्ड ऑन द नेट एंड सम वीडियोस आई फिगर्ड आउट. तो मुझे पता चला कि इट्स नथिंग, हमारा जो मेन जो ग्रंथ है वो ऐसा कुछ नहीं कहता. इट्स लाइक उसने सिर्फ एक डेरिवेशन बनाई थी कि जो लोग कह सकते हैं सर से आते हैं वो ब्राह्मण हैं एंड ऑल, बट दे नेवर सेड कि अगर ये फैमिलीज में अगर ये पहला आदमी ब्राह्मण है तो इसके सारे जो बच्चे हैं वो भी ब्राह्मण कहलाएंगे. इट इज नेवर स्टेटेड लाइक दिस थिंग एंड इट्स ऑल ओवर द हिंदू माइथोलॉजी. इट्स लाइक कि सबको इक्वली ट्रीट करना है, चाहे वो इसी रिलीजन का कोई दूसरा बंदा हो या कोई दूसरे रिलीजन का कोई भी आदमी हो, एवरी वन इज ट्रीटेड इक्वली. तो जो ये चीज है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की, जिसका ये ब्लेम हमारे ग्रंथों पर डालते हैं लोग, ये बहुत ही गलत है. एंड अकॉर्डिंग टू मी एक परफेक्ट रिलीजन वो होगा जो कि कह सकते हैं कास्ट के बेसिस पे नहीं बट कर्म के बेसिस पे कह सकते हैं डिग्निफाई करे लोगों को, डिफ्रेंशिएट करे. आई मीन कि अगर कोई इंसान है जिसने असलियत में बहुत वेद पढ़े हुए हैं एंड ही इज रियली इंटेलिजेंट, तो उसको जरूर आप ब्राह्मण बनाइए. बट सिर्फ उस घर में आपका जन्म हुआ है और आप ब्राह्मण कहलाए, तो दिस डजंट मेक सेंस एट ऑल. एंड यही एक परफेक्ट रिलीजन का कह सकते हैं बेस है. अकॉर्डिंग टू द कर्म आपका डिफ्रेंसिएशन होना चाहिए. एंड आई बिलीव कि ये चीज़ हमारे करंट सिस्टम में बहुत लैक करती है. एंड दिस गोज टू ईच एंड एवरी रिलीजन इन दिस वर्ल्ड, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, जैन हो या सिख क्रिश्चियन हो, इट गोज ईच एंड एवरीवेयर अराउंड एंड दिस इज रियली बैड. एंड जो इनको फिर डिस्पैरिटीज फेस करनी पड़ती है उसका हम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते. ऑल्सो एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा रिगार्डिंग रिजर्वेशन. तो इट्स लाइक या आई बिलीव कि ये कहीं ना कहीं जो रियली में लोग अपॉर्चुनिटी जिनकी होती है वो उनको नहीं मिलती उसके कारण. बट एट द सेम टाइम हमें ये सोचना चाहिए कि क्या सब लोग उसी सेम बैकग्राउंड से आते हैं, क्या सब लोग को वही फैसिलिटीज मिलती है जो कि आप हमको मिल रही है एज अ प्रिविलेज सोसाइटी. तो उसका आंसर है नहीं. तो इसलिए रिजर्वेशन चाहिए ताकि हर सोसाइटी, हर पार्ट ऑफ इंडिया से लोग आ सकें और रिप्रेजेंटेटिव कर सकें एक वर्ल्ड इंडिया की पॉलिटिक्स में, ताकि इंडिया एक कंप्लीट सेक्युलर स्टेट जो है वो दिखे. एंड दैट्स व्हाई रिजर्वेशन इज इम्पॉर्टेंट. एक एक पल जब आ जाता है इंडिया में जब सबको सेम बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जब हर आदमी एक अच्छे रेपुटेटेड कॉलेज से आ रहा है, एक अच्छे स्कूल से पास आउट हो रहा है, तब आई स्ट्रांगली एग्री कि फिर कोई रिजर्वेशन नहीं चाहिए. अगर सबको एक अच्छा नॉर्मल पक्का घर मिल रहा है, अगर सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी है, तो रिजर्वेशन फिर नहीं आना चाहिए. देन इट शुड ऑलवेज बी ऑन द बेसिस ऑफ कह सकते हैं आपकी स्किल सेट एंड का जो कैलिबर है, फिर रिजर्वेशन हैज नो पॉइंट ऑफ इटसेल्फ. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस. ये एक छोटी सी बात थी जो मेरे को मन में आ रही थी कहने के लिए. एंड दिस इज ऑल आई हैव टू से. And yeah, take care, Jai Hind, and do think on this topic. आपको आपकी क्या राय है, अगर आपको share करनी हो तो जरूर बताना. Bye bye.